और सभी से बस यही निवेदन करूंगी, कृपया शांति का दान दें और शांति बनाए रखें, क्योंकि कहते हैं करोगे शोरगुल ज्यादा तो आनंद कुछ नहीं आएगा, करोगे शोरगुल ज्यादा तो आनंद कुछ नहीं आएगा, तुम्हारा और हमारा समय बेबात का ही। निवेदन ये है, कृपया शांति से सुनिएगा। और कहा किसी कवि ने, मोनू भैया कैसे, कि वेद शास्त्र सब कहे हर युग में सबको जन्म दिया, फिर बिरथा दोष लगायो है। दादाजी माँ बाप संतान की खातिर न जाने क्या क्या करते हैं, संतान पे जब जब कष्ट पड़ो माँ बाप ने अपनों फर्ज निभायो है, और माँ बाप पे जब जब कष्ट पड़ो तेने पानी तक ना। इसीलिए इंसान को बार बार चेतावनी दे रहा है कभी और कह रहा है कैसे, ए और ये सोने जैसी काया तेरे, कह रहा है कि हे मूर्ख इंसान, क्योंकि कोई कहता है मैं कितना सुंदर हूँ, कोई कहता है मैं कितना धनवान हूँ, कोई कहता है मैं कितना बलवान हूँ, लेकिन सुन, और ये कंचन जैसी काया तेरे और बाबा का मुनावे की क्या। और देखो एक बार जयकारो जरूर लगा दियो, और भैयन ते निवेदन है एक बार जयकारो लगा दो, प्रेम ते सब जितने श्रोता बंधु बैठे कहा है, हमारी माता बहनें बैठी हैं, बोल बाके बिहारी लाल की। हाथन ने तो मैं ख्याल हूं कहने फेने धराए दिखे तुम, कहते हैं जो जितना ऊपर हाथ उठाता है ना उतना ही जल्दी ऊपर जाता है। हंस रहे तुम, गलत सोच के दिखे, मैं तो तरक्की का कह रही। एक बार ऐसे जयकारो लगाओ जैसे हमारे ब्रज में जयकारो लगेगा, और कमेटी वाले तो निवेदन है, हाथ तो परमात्मा तुम्हें दे, तुम्हें उठा लियो। अच्छा सही है। और एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे, बोल गिरिराज महाराज की। और भैया कहा, और ये कंचन जैसी काया तेरे और एक कामना माया संग ना जावे, अब देखिए भैया सब कह रहे बंबई वाइन ने लिखी है, पर देखो हमारे धोर तो हरियाणा वाइन ने लिखी है, और का लिखी है, और भिचमा सूट पहन के चाली, ए भिचमा सूट पहन के चाली के करवावेगी, ओए अरे ओ गोरिये गोली गोली चल जावेगी। पर देखो भैया कहा, कंचन जैसी काया तेरे, कंचन जैसी काया तेरे काम नहावेगी। और देखो मोनू भैया, समय में बड़ो परिवर्तन है गोए, अकेली लाली यूपी ते आई है, तबरे गवैया राजस्थान के, और राजस्थान के इनको दे रहे 500 के, और यूपी की छोरी को दे रहे 10 रुपये।
मोनू भैया कहा ये कंचन जैसी काया तेरे, कंचन जैसी काया तेरे काम ना आवेगी क्यों, अरे ओ बाबू रे जी माया संग ना फ्रूट कंपनी उनकी तरफ से आया है और 100 रुपए का पुरस्कार गुप्तदान 100 रुपया मिल जाएंगे, तुम्हें टेंशन मत लियो, वो पे हाथ ना है। लाली बहुत ही ईमानदार है, टेंशन मत लियो। भैया कहा ए आया भी अकेला बंदे और 100 रुपए का पुरस्कार रतन सिंह उप सरपंच चिकसाना उनकी तरफ से आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे आया भी अकेला बंदे, आया भी अकेला बंदे और 100 रुपए का पुरस्कार। अच्छा मदनलाल बिहारी जी बिहारिया अध्यक्ष जाट समाज उनकी तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार आया, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ ए आया भी अकेला बंदे, आया भी अकेला बंदे और 100 रुपए का पुरस्कार महेंद्र पुजारी उनकी तरफ से आया, बहुत बहुत धन्यवाद। आया भी अकेला बंदे, जाए भी अकेला क्यों, अरे 2 दिन की जिंदगी है अम्मा, अरे 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला, 2 दिन की जिंदगी है। अरे भाई बंदे और नारी तेरी, मोनू भैया वो ऐसा लगे 500 के तो नाश्ता खा के चले गए दिखे क्या। अरे भाई बंदे और नारी तेरी वो रोए रोए मर जावेगी क्यों, अरे ओ बाबू रे जी माया संग ना प्रश्न को छोड़ करके गई थी। और निवेदन ये करूंगी कि शांति से सुनिएगा दादाजी, रानी तारा अपने कुमार रोहतास का अंतिम संस्कार करके आती है। रानी तारा बियाबान जंगल में खड़ी है, रानी तारा विचार कर रही है, कह रही है कि कैसे करूं कहां को जाऊं, कैसे करूं कहां को जाऊं, जितो ख्याल हृदय में लाती है। अरे बियाबान में खड़ी सोच रही फट रही जाती आती है जाए के घुसी एक मंदिर में, वो रानी तारा जाए के घुसी एक मंदिर में वो आफत की मारी। अब तुम किस्सा सुनो तारी अहब दनु, रानी तारा एक मंदिर पर आकर के सो गई। विश्वामित्र जी ने रात्रि में कई बच्चों की हत्या की, बच्चों की हत्या करके रानी तारा के मुख से खून को लगा दिया और नगर में आकर के आवाज लगा दी कि मंदिर पर एक डाहिना आई है। विद्वानों जैसे ही सुना कि मंदिर पर एक डाहिना आई है, पूरा समाज इकट्ठा है और मोनू भैया हो क्या राय कैसे। अब ले ठोक की दुहाई दई मुनि ने कही, सुनो मेरे भाई और आखिन ते आयो, ए आखिन ते आयो देखी, अरे नगर में
मन पे एक बात आ रही है तुम के तो कह दू। हाँ सही है, जब मुंह पे आ गई है तो कह ही दे दियो। देखो जब तुम्हारे यहाँ की बात ना है, हम जहां जहां प्रोग्राम करवे गए माँ हमें सबसे ज्यादा ये कई चीज पाई, और वो का चीज पाई, अरे बूढ़े बड़े बाप दादे, ए बूढ़े बड़े बूढ़े बड़े बूढ़े बड़े बाप दादे, और घर भूख के प्यास से जी रहे हैं। और कैमर भाई का पुरस्कार उदय मेंबर, उनकी तरफ से आया बहुत बहुत धन्यवाद। अरे बूढ़े बड़े बाप दादे घर भूख के प्यास से जी रहे हैं, और अगर बात सही हो तो ताली बजा के जो समर्थन कर दियो कि हाँ लाली सही कह रही है। हाँ भैया कहा बूढ़े बड़े बाप दादे और घर भूख के प्यास से जी रहे हैं, और अरे उनके बेटा उनके छोरा उनके लल्लू चोराए पे खुल की पौवा, सबसे ज्यादा अम्मा अब तो दारू रह गई है। हाँ पर देखो कभी कह रहा है कौतिक तूने बहुत किए हैं, और बोल दूं 200 रुपए का पुरस्कार भरतलाल मास्टर जी दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जेएम में फ्रूट कंपनी उनकी तरफ से फिर से 51 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। भैया कहा ए कौतिक तूने बहुत किए हैं, और बाबा पनी भरी जवानी में मोनू भैया, अरे कौतिक तूने बहुत किए हैं, और 100 रुपए का आशीर्वाद बड़े भाई पंडित रोहतास जी दे रहे हैं, बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगी। राधेलाल बिहारिया उनकी तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। कहा कौतिक तूने बहुत किए हैं, और बाबा पनी भरी जवानी में, और अम्मा अरे चेता तो फिर कब चेता जब भैंस चली गई पानी में, चेता तो फिर कब चेता। सी बिहारिया उनकी तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे चेता तो फिर कब चेता जब भैंस चली गई पानी में। आहा विद्वानों, विश्वामित्र जी ने कहा नगर में एक डाहिन आई है, जैसे ही शोरगुल को सुना पूरा समाज इकट्ठा है। भैया कहा कि हल्ला सुन के जनता जागी, हल्ला सुन के जनता जागी, दुनियादारी दे रही है, अरे जिनके बेटा नहीं मिले वहां गौ टकरामन कह रही है, बालक बंद किए जान घर में। विश्वामित्र जी सभी नगर वालों से कह रहे हैं बालक बंद किए जान घर में, सबने त्याग संहारी, अब तुम किस्सा सुनो हमारी। आहा विद्वानों, आज पूरा समाज इकट्ठा है, अच्छा हिसाब से बोलने का, कुमारपाल बिहारिया उनकी तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। भैया सुनिए, और 51 रुपए का पुरस्कार गिरधर लाल पूर्व चेयरमैन नदवई उनकी तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार आया है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी के लिए। जैसे ही समाज इकट्ठा, उसी समाज में कालू भंगी आ गया, और कालू भंगी ने सुना कि मंदिर पर एक डाहिन आई है, तो देखिए आज वो कालू भंगी राजा हरिश्चंद्र से कह क्या रहा है। मोनू भैया कैसे कहा, कोई परेशानी बन गई साहब,
कुमरपाल बिहारिया बोल तो दे भैया, कुमरपाल बिहारिया, कुमरपाल बिहारिया उनकी तरफ से एक से एक रुपए का पुरस्कार। जोरदार ताली बजाओ। अब क्यों ढंग से बोलवान हो तो बता दियो। सुनिए, कालू भंगी राजा हरिश्चंद्र से कहे क्या राय। ए जी किस्सा और वा कालू नी सुन पाए हो पंडित जी। अरे किस्सा वा कालू नी सुन पायो और जानी हरिया राजा हरिश्चंद्र को आदेश दे रहा है और कह रहा है क्या। ए जी हरिया बेग मढ़ी पे जइयो। क्या? अरे हरिया बेग मढ़ी पे जइयो और डाहिन को और डाहिन और भैया कह रहा है चाचा बेटा बारे हो। कभी बार बार इंसान को चेतावनी दे रहा है कैसे हो तेरे सर पे कर जय काल मान जा तू। क्या कह रहा है कभी हो तेरे सर पे कर जय काल मान जा तू। ओ मत चले क्या और मत चले अदा की चाल मान जा तू। ओ मत चले अदा की चाल और कहा और एक क्या रुपए का पुरस्कार। जयवीर अध्यापक अन्नकूट कमेटी उनकी तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार आया है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। कहा क्या बंडा चाचा उनकी तरफ से 21 रुपया पुरस्कार और 51 रुपए का पुरस्कार। अच्छा बाबा 40 देने का लियो साहब 40। देखो एक नीचे गिर गो ये ले और बता दी जब खुले लेने हो तो। हाँ कहा देखिए इंसान के पास में सब कुछ होते हुए भी कह रहा है मोनू भैया कैसे। कहा अरे कोठी बंगला बने हुए थारे। क्या कहा और 51 रुपए का पुरस्कार सूरजा अम्मा उनकी तरफ से आया है। बार बार दादी जी से आशीर्वाद की कामना करूंगी भैया। कहा अरे कोठी बंगला बने हुए थारे फिर भी गाड़ी न्यारी चाहिए। ए कोठी बंगला बने हुए थारे बबलू बिल्डोजर। अब तक तो बाबा योगी आदित्यनाथ बिल्डोजर हो बबलू बिल्डोजर है गो भैया। एक बार ताली बजा दे 21 रुपया दे रहे। कहा और 51 रुपए का पुरस्कार सौरभ लाइट डेकोरेशन उनकी तरफ से आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे कोठी बंगला बने हुए थारे फिर भी गाड़ी न्यारी चाहिए। दुनिया भर में बोल बड़ा तेरा बहुत बड़ी सरदारी चाहिए। और है रे लंबी गर्दन
चौड़ी रे छाती, घर में सुंदर नारी चाहिए, लंबी गर्दन चौड़ी रे छाती। जब कहा ए जी ना रहनी 100 साल मान जा तू, ए जी ना रहनी 100 साल मान जा तू, ओए वो मत चले क्या मत चले अदा की चाल मान जा तू, मत चले है मरोड़ा चाले, ए, प्रवीण कुमार नरसिंह अधिकारी दिल्ली वाले, उनकी तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो मैंने अच्छी तरह से जाके बजाते बोले, फिर तुम दोबारा बुलवाते। आ रहा हूं। समय सुनिए गीत, और गाया किसी गाने वाले ने और कहा, और अब मैं मर मर के जीने लगा हूं, और भाई बहुत तो ऐसे बैठे ना पब्लिक में उतरन ना दे रहे, बाते पहल तो चढ़ाया हमें भाई। हाँ भैया, और अब मैं मर मर के जीने लगा हूँ, तेरी चाहत में पीने लगा हूँ, तेरी चाहत जाकर के कह रहा है, प्रभु एक बार पृथ्वी पर नजर डाल करके देखो, न जाने कितने अत्याचार, न जाने कितने महापाप इस पृथ्वी पर किए जा रहे हैं। तो देखिए आज वो भक्त भगवान के दरबार में जाकर के कह रहा, और भैया कैसे कहा, और 51 रुपए का पुरस्कार महेंद्र पुजारी उनकी तरफ से आया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ऊपर ऊपर वाले कहां सो रहा है, भक्त कह रहा है ऊपर ऊपर वाले कहां सो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले। और 51 रुपए का पुरस्कार अन्नकूट कमेटी की तरफ से आया है, बहुत बहुत धन्यवाद विद्वानों। भक्त कह रहा है ऊपर वाले कहां सो रहा है, और तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। और 1 रुपए का पुरस्कार राधेलाल बिहारिया बाबूजी उनकी तरफ से आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। भक्त कह रहा है अब तो जीने से दम घुट रहा है, ए प्रभु तेरे इस संसार में अब तो जीने से दम घुट रहा है, क्यों तेरा खिलता चमन लुट रहा है। और हर इंसान को देखिए, रख दी पाप की आधी चलने लगी है, पाप की आधी चलने लगी है, इंसान इंसान से गुट रहा है। आज के समय में भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है, बाप बेटे का दुश्मन बना हुआ है। जब ऐसा देखा मातृभूमि का मन रो रहा है। और 51 रुपए का पुरस्कार सौरभ लाए डेकोरेशन उनकी तरफ से आया है, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मात्र भारत माता का मन रो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। और
कमेटी वाले और जनता वाले गौर करें, क्यों काम कोई न पावन पुनीता, भैया काम कोई न पावन पुनीता, दागी होने लगी आज गीता, और गीता दागी कैसे हो रही है। और ये 51 रुपए का पुरस्कार महेंद्र चंद्र अध्यापक दिल्ली वाले उनकी तरफ से आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हो रही है, क्योंकि ये सब जानते हैं कि ये केस भी झूठा है, ये वकील भी झूठा है और ये जज भी झूठा है, फिर भी व्यक्ति छाती को ठोक करके गीता पर हाथ रख के कसम खाता है कि मैं जो कुछ भी कहूंगा वो सच कहूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा। जब कहा भैया काम कोई न पावन पुनीता, दागी होने लगी आज गीता, और देखिए गीता दागी होने का एक कारण और है। अन्नकूट कमेटी उनकी तरफ से 31 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। और 51 रुपए का पुरस्कार पतोली चाचा उनकी तरफ से आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए निवेदन करूंगी, इस बंद को बड़े ध्यान से सुने, गीता दागी होने का एक कारण और है बड़े भैया, गीता दागी होने का एक कारण और है क्या, पावन में सीता का रामायण गीता का, सुनिएगा ध्यान से, पावन में सीता का। महाराज सिंह अंगन पिना उनकी तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। पावन में सीता का रामायण गीता का, ऐसे ग्रंथों का हमें अंत नहीं चाहिए। देखो समय बड़ो बलवान है भैया, ऐसे ग्रंथों का हमें अंत नहीं चाहिए, क्यों साधु के भेष में गुंडन की रेशम में आसाराम जैसा हमें संत नहीं चाहिए, आसाराम जैसा हमें संत नहीं चाहिए। और 51 रुपए का पुरस्कार मोनिका उनकी तरफ से आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। कहा काम कोई न पावन पुनीता, दागी होने लगी आज गीता, और संचालक जी इससे बुरा कर्म नहीं है क्या, गर्भ में बेटी मरने लगी है, गर्भ में बेटी मरने लगी है, तो कहां से आएंगी सावित्री सीता। जब कहा कांटे इंसान खुद बो रहा है और दोष देता उस ईश्वर को, क्योंकि अच्छा किया वो मैंने कर दिया, अगर बुरा हो गया वो परमात्मा की मर्जी थी। एक दृष्टांत, आप किसी की लड़की की शादी कराइए, अगर वही लड़की अच्छे परिवार में पहुंच जाए, लड़की के लिए सुख हो, तो घर के कहेंगे भाई परमात्मा की कृपा थे हमारी लाली बड़े सुख में पहुंच गई, जब तो हमने कर दो वाल लाला, हमने छोरा बहुत बढ़िया देखो। अगर किसी भी कारणवश उस लड़की के लिए थोड़ा भी दुख होता है तो बे घर के कहेंगे जो कछु करवायो था बिचौलिया ने करवायो हम का कर रहे भैया। जब कहा कांटे इंसान खुद बो रहा है, और 51 रुपए का आशीर्वाद भूपेंद्र शर्मा जी तैयार रहे, सत्तो दादी और 21 रुपए का पुरस्कार सोमोती उनकी तरफ से आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब सुनिए अंतिम मंद, और भक्त कह रहा है कि मैं मानता हूं तूने सारे संसार को रचाया है, मगर देख रामदयाल अध्यापक उनकी तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए खेल तेरे ही बेशक निराले, एक मिनट कहा खेल तेरे ही बेशक निराले, और 51 रुपए का पुरस्कार माला MA ML
ए उनकी तरफ से आया, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए, खेल तेरे ही बेशक निराले, सर्प यहाँ पर छिपे बहुत काले। भक्त कह रहा है प्रभु मैं मानता हूँ तूने संसार बड़ा सुंदर रचाया, लेकिन सुन, खेल तेरे ही बेशक निराले, सर्प यहाँ पर छिपे बहुत काले। और तू क्या सोचता है अपने मन में, आके धरती पे तू देख लेना, बेच देंगे तुझे दुनिया वाले। क्यों कहा, सबका दामन ये जीपी धो रहा है भैया, सबका दामन ये जीपी धो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है।